आबकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। कर्मचारियों के शानदार अपडेट, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, DA 4% बढ़ाकर 42% कर सकती है सरकार। DA पर अपडेट विस्तार से देखें। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, DA 4% बढ़ाकर 42% कर सकती है केंद्र सरकार। भास्कर न्यूज, नई दिल्ली। केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पेंशन भोगियों का मनगाई भत्ता DA 38% से बढ़ाकर 42% कर सकती है। DA की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का विंग है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, दिसंबर 2022 के CPI IW का आंकड़ा 31 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23% बैठती है, लेकिन सरकार DA में दशमलव के बाद के अंकों को नहीं लेती है। ऐसे में DA मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय DA में वृद्धि का प्रस्ताव बनाएगा। इसमें DA बढ़ने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक भार का भी उल्लेख होगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। DA में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी।